पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बदउनवानी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में आगाही वॉक, सेमिनार्स और मुजाकरों का अहतमाम किया गया। सबसे बड़ी लानत बदउनवानी से इनकार करो, नैब बना बदउनवानी के खात्मे के लिए। करप्शन किसी माशरे में नासूर की हैसियत रखती है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एंटी करप्शन डे को आलमी सतह पर मनाने का ऐलान अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर 2003 को किया। पहला इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मेक्सिको में मनाया गया। मुल्क की सबसे बड़ी लानत बदउनवानी से इनकार करो। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बदउनवानी को हक तसव्वुर किया जाता है। सियासतदानों समेत निजी और सरकारी सतह पर रिश्वत दिल खोल कर ली और दी जाती है। करप्ट अफराद का एहतसाब न होना करप्शन के फैलाव की बड़ी और अहम वजह है, जिसके बायस नए पाकिस्तान में बदउनवानी के मुकम्मल खात्मे के लिए नैब की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ आए रोज सामने आती है। मुल्क गिर मुहिम में लाहौर समेत दीगर शहरों की सड़कों पर और दीगर अहम मकामात पर एहतसाब सब किले पर मबनी नारों वाले बैनर्स और पोस्टर्स बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए। इस आज़ादी बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। तहम सवाल ये पैदा होता है कि से नो टू करप्शन बिलाशुबा बामकसद और फौरी समझ जाने वाला पैगाम है, लेकिन क्या हम इस पर अमल करने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार शऊर शख्स को खुद से जरूर पूछना चाहिए। बदउनवान बनेंगे निशाने इबरत, कानून के तकाजे पूरे होंगे, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, शफाफियत और मेरिट का इस्तेसाल ना होगा। नैब का ये है अज़्म-ए-मुसम्मम।